देश के सागर का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण को सलामी दी जाती है। यह परंपरा 60 वर्षों से लगातार चली आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर के उपनगरी क्षेत्र मकरोनिया में स्थित राधा कृष्ण जी के एक मंदिर की। यह मंदिर मकरोनिया की 10वीं बटालियन में है, जहाँ हर वर्ष भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें 1/4 की सलामी दी जाती है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। दरअसल यह मंदिर 10वीं बटालियन के आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सभी स्टाफ के लोगों ने मिलकर बनवाया था। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ कामना करता है वह पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, गणेश जी, देवी जी और सबसे पुराना राधा कृष्ण मंदिर है, जिसका निर्माण सन 1964 में किया गया था। तब से ही भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर यहाँ सलामी दी जाती है। 10वीं बटालियन के परिवार के सभी सदस्य, महिला, बच्चे, बूढ़े और रिटायरमेंट के सभी भक्तगण इस मंदिर में एकत्रित होते हैं। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर हरण रोमन किया जाता है, आतिशबाजी होती है, कीर्तन भजन होते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो यहाँ 1/4 की सलामी दी जाती है। यह परंपरा निरंतर 60 वर्षों से चली आ रही है। जी, यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है, मध्य प्रदेश का पहला मंदिर जहाँ विशाल मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। क्या शुभ नाम लिखते हैं पंडित? महेश कुमार पांडे। क्या इसमें मान्यता है? जो भी यहाँ मनोकामना लेके आता है इनके यहाँ, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। राधा कृष्ण जी का मंदिर, लोग बताते हैं इसमें कौन सी विशेषता है और रात के 12 बजे क्या होता है? जन्म होता है रात के 12 बजे, 1/4 की भगवान को सलामी लगती है। तो ये कब से हो रहा है ये आपको? ये यहाँ कम 25-30 साल से पहले ही से। और आप भी इसमें सर्विस करते थे क्या? हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? महेश कुमार पांडे। और इसकी मान्यता कैसे है, क्या आप फेमस है और कैसे बताएगा? यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता था भगवान के यहाँ, उनकी मनोकामना पूरी होती है। प्रसक्त मानते हैं, प्राण प्रत्यक्ष थे। और ये कैसे निर्माण हुआ था इसका पंडित जी? सभी के सहयोग से। लगभग कितने समय पहले हुआ था? अब 50 साल के ऊपर ही हो गए, 55 साल समझो। अभी कौन है कमांडेंट यहाँ पर? यहाँ है वो श्री रसना ठाकुर। थैंक यू। मकरोनिया से जितेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।